आदिमानव की दुनिया बहुत ही विचित्र रही। आज से करोड़ों साल पहले जब जीवन की शुरुआत हुई, तब क्रमिक विकास में कई छोटे मोटे जीवों का विकास हुआ था। उसी क्रम में जो सबसे समझदार जीव माने गए, उन्हीं को आदिमानव कहा गया। बंदरों समान दिखने वाले एक ऐसी प्रजाति जिसने विकास के साथ साथ दो पैरों पर चलना शुरू किया। ये बंदरों जैसे दिखने वाले एक ऐसी प्रजाति रही जिसमें दिमागी विकास सबसे तेज हुआ। पहले के आदि मानव में, फिर वे चाहे पुरुष हो या महिला, इनके शरीर पर काफी बाल हुआ करते थे। उसी लिए उन्हें शरीर को ढकने की समझ नहीं थी, यानी कि कोई कपड़े नहीं पहनते थे। आदि मानव जीने के लिए शिकार किया करते थे। पहले शिकार के भी कोई नियम नहीं थे। रात के समय जंगली जानवरों से बचने के लिए आदि मानव गुफाओं का इस्तेमाल किया करते थे। धीरे धीरे आदि मानव ने आग जलाना सीख लिया, जिसका इस्तेमाल करके वो मांस को पकाकर खाने लगे। आग का इस्तेमाल सर्दियों से बचने के लिए तथा जानवरों से बचने के लिए किया करते थे। कहा जाता है कि आज से लाखों साल पहले पहाड़ी गुफा में हमारे पूर्वज रहा करते थे, जिनको हम होमो सेपियंस नाम से जानते हैं। और ठीक उनके बगल के पहाड़ में हमारे चचेरे पूर्वज रहा करते थे, जिनको नियंदरथल कहते हैं। दोस्तों, नियंदरथल भी हमारे पूर्वज हैं, यानी डीएनए शोध से पता चला है कि लगभग 99% जीन हमारे चचेरे पूर्वज नियंदरथल से मिलते हैं। हमारे लिए दोनों पूर्वज दिखने में बिल्कुल अलग थे, जिनको हमेशा से एक दूसरे का डर लगा रहता था। जैसे ही आमने सामने आते, एक दूसरे को मार डालते थे। होमो सेपियंस के पास अच्छे हथियार थे, उसी वजह से उन्होंने उन्हें मार कर विलुप्त कर दिया था। लेकिन शायद हमारे कुछ पूर्वजों ने उनकी महिलाओं से संबंध भी बनाए होंगे, तभी हमारे अंदर आज भी नियंदरथल के डीएनए मिलते हैं। अपने वजूद को रखने के लिए दूसरी अपनी जैसी प्रजाति को खत्म कर देने को डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कहते हैं।